फ्रेंड्स आज हम आर एच सी एस ए का लेक्चर नंबर सेवन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर सेवन स्टार्ट करने से पहले हमने लेक्चर नंबर सिक्स के अंदर देखा था कि एल डेप सर्वर क्या होता है आई पी सर्वर किस तरह कन्फिगर किया किस तरह कन्फिगर किया था आई पी सर्वर को फिर आई पी सर्वर के अंदर हमने यूज़र को यूज़र क्रिएट किया था उसके अलावा हमने फिर देखा था कि हमने अपनी मशीन को किस तरह डोमेन ज्वाइन कराई थी आई पी सर्वर की डोमेन किस तरह ज्वाइन कराई थी हमने जब यूज़र को लॉग इन किया था तो तो उसकी होम डायरेक्टरी माउंट नहीं हुई थी तो होम डायरेक्टरी को माउंट करने के लिए हम जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है वो एन एफ एस की एप्लीकेशन यूज़ की जाती है नेटवर्क फाइल सर्वर की एप्लीकेशन यूज़ की जाती है इस एप्लीकेशन के थ्रू हम जो रिमोट साइड पे जो होम ड्रैक्ट्रीज पड़ी होती हैं क्योंकि एल हमारे पास दूसरी मशीन के ऊपर इंस्टॉल है और जो क्लाइंट है वो हमारे पास दूसरी मशीन है तो वो क्लाइंट के लिए जो होम डायरेक्टरी होगी क्लाइंट यूज़र के लिए जो होम डायरेक्टरी होगी वो हमारे पास रोमेट रिमोट साइड के ऊपर होगी जिसकी वजह से जो रिमोट साइड पे जो होम डायरेक्टरीज पड़ी होती हैं जो डाटा पड़ा होता है जो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती हैं है, उनको एक्सेस करने के लिए उनको माउंट करने के लिए नेटवर्क फाइल सर्वर की एक एप्लीकेशन होती है वो हम यूज़ करते हैं एन एफ एस नेटवर्क फाइल सर्वर तो हम नेटवर्क फाइल सर्वर देखते हैं नेटवर्क फाइल सर्वर क्या होता है NFS stand for Network File Server helps to help share to help you to share files and folder between Linux and Unix systems. जो NFS server है वो सिर्फ to सिर्फ जो sharing करता है वो Linux to Unix system के आपके दरमियान sharing करता है. इसके अलावा Linux to Microsoft ये sharing नहीं करता. इसके अलावा NFS enable to uh, enable you to mount a remote share locally. कि जो लोकली इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे पास डाटा पड़ा होता है जो कन्फिग्रेशन पड़ी होती तो है जो शेयर फोल्डर्स पड़े होते हैं शेयर फाइल्स पड़ी होती हैं उनको माउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है एन के अंदर कुछ लिमिटेशन है एन ओवरऑल दी नेटवर्क इंटरनेट के पर डाटा शेयर नहीं कर सकता एन जो शेयर कर सकता है सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर ही शेयर कर सकता है डाटा और फाइल फोल्डर्स यूज़र की होम डायरेक्टरी या कोई और इंफॉर्मेशन जो आप एन एफ एस के थ्रू शेयर करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट में अपने यूजर्स के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ वो सिर्फ लोकल इन्वायरमेंट में में ही यूज़ कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर सकते ओवर द इंटरनेट आप यूज़ नहीं कर सकते यू कैन शेयर फोल्डर अक्रॉस प्ले फॉर एग्जाम्पल यू कैन शेयर अ फोल्डर डेट इज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मशीन के हमने कोई एन एफ एस का जो शेयर है फाइल है या फोल्डर है या कुछ और चीज़ है वो आपने एन एफ एस के थ्रू शेयर की हुई है आप उसको एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट की मशीन्स पर नहीं कर सकते इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ डाटा पड़ा हुआ कोई फोल्डर शेयर किया हो कोई फाइल शेयर की हुई उसको एन एफ एस के थ्रू आप लिनक्स मशीन के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते यूजेस ऑफ एन एफ एस फाइल शेयरिंग बिटवीन यूनिक्स एंड लिनिक्स सिस्टम्स अलाउ टू लोकली माउंट रिमोट फाइल सिस्टम के जो लोकली हमारे पास फाइल शेयर होती है या डाटा शेयर होता है या फोल्डर शेयर होता है उसको लोकली माउंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनएफएस को उसके अलावा कैन बी एक्ट एज सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम के हमारे पास जो एनएफएस का जो बिहेवियर है एज अ स्टोरेज सिस्टम जो सेंट्रलाइज सारा स्टोरेज सिस्टम यानी एक हमारे पास सेंट्रलाइज मशीन पड़ी हुई है उसके ऊपर तमाम यूजर्स का डाटा पड़ा हुआ है तो उस फोल्डर को शेयर किया हुआ है तो हर यूज़र आता है उस फोल्डर को एक्सेस करता है एनएफएस के थ्रू और अपना डाटा यूज़ करता है फाइल्स को रीड करता है जिस तरह को सिलेबस है किसी कॉलेज का किसी यूनिवर्सिटी का किसी क्लास का तो वो लैब के अंदर टीचर्स ने क्या किया होता है सेंट्रलाइज सर्वर बनाया होता है एनएफएस का या विंडोज़ का उसके ऊपर एक फोल्डर बनाकर तमाम यूज़र का जो डाटा होता है जो क्लास से रिलेटेड इंफॉमेशन होती है जो डाटा होता है वो वहाँ पे शेयर किया होता है हर यूजर आता है एक्सेस करता है एन के थ्रू और उसको रीड करता है चेक करता है और इसके अलावा इट कैन बी यूज़ एज अ स्टोरेज डोमेन डाटा स्टोर फॉर वी एम वेयर एंड अदर विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म जो ई एक्स प्लेटफॉर्म है या उसके अलावा और डिफरेंट विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है उसके अंदर डाटा स्टोर होता है असल में जो डाटा स्टोर होता है एक किस्म की डेटा बेस होती है उसको उसको भी एन एफ एस के थ्रू ही यूज़ किया जा रहा होता है अलाउ एप्लीकेशन टू शेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड डाटा फाइल्स विद मल्टीपल नोड्स कि हम जो डेटा फाइल्स होती हैं जो एन एफ एस के थ्रू हमने जो डाटा फाइल शेयर की होती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन शेयर की होती हैं यानी कोई फोल्डर शेयर किया होता है उसको मल्टीपल नोट से हम एक्सेस कर सकते हैं यानी एक यूज़र ने एट अ टाइम एक यूज़र ने एक्सेस किया दूसरे ने, ने भी एक्सेस एक्सेस किया तीन चार यूजर ऐसे हैं जो जिन्होंने एट ए टाइम एन के थ्रू अपना डाटा अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया एक्सेस किया अलाउ अपलोड फाइल अक्रॉस द शेयर के हम उस शेयर के ऊपर अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने उस शेयर के ऊपर किसी को रीट राइट की एक्सेस दी हुई है तो वहाँ पर हम डेट अपनी फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं उसके अलावा एन की कुछ अहम सर्विसेज होती हैं कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज होती है जब हम एन का पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एन के जो पैकेज का जो नेम है वो है एन एफ उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है एक आर पी की इन्फॉर्मेशन होती है एक आर पी की सर्विस होती है एक एन एफ सर्वर की सर्विस होती है एक एन एफ या डैश डेट डी की सर्विस होती है या एन एफ एस डैश आई डी मैप की सर्विस होती है प्रोग्राम नंबर इंटू यूनिवर्सल एड्रेस जब भी हम एन एफ एस के थ्रू कोई भी डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या किसी शेयर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आर पी सी कुछ पे कुछ नंबर सेट हुए होते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर यूनिवर्सल एड्रेस के अंदर ताकि हमारे पास जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है जो लिनक्स की सारा बिहेवियर है रैम का सीपीयू का वो उसको एड्रेस को समझ सके कन्वर्ट कर सके के रिक्वेस्ट किसके लिए आई है नेटवर्क के नेटवर्क भी इसको समझ सके रिक्वेस्ट किस पीसी के लिए आई है कहाँ पे इसका सेंट्रलाइज सर्वर है उसके लिए सारे इंफॉर्मेशन कौन हैंडल कर रहा था वो आरपीसी बाइंड कर रहा था nfs एफ एस डैश सर्वर इट एनेबल्स द क्लाइंट टू एक्सेस एन एफ ये ये सर्विस क्या कर रही होती है कि इस सर्विस को एनेबल करती है क्लाइंट्स के लिए कि वो एन एफ एस का जो शेयर है उसको एक्सेस कर सके उसको यूज़ कर सके उसके अलावा एन एफ एस डैश लॉक आर पी जी डैश डैश एन एफ एस फाइल लोकिंग इम्प्लीमेंट फाइल लॉक रिकवरी वेद एन एफ एस सर्वर क्रैश और रिबूट ये सर्विस क्या करती है जब एन एफ एस सर्वर किसी वजह से क्रैश हो जाए या रीस्टार्ट हो जाए तो वो जो उसकी फाइल्स होती है उसको रिकवर कर लेती है और उसको उन फाइल्स के ऊपर लॉक लगा देती है कि ये सिर्फ फाइल्स किन की है एन एफ एस की है लास्ट जब हम दोबारा एन एफ एस को रिकवर करेंगे तो वो दोबारा इन फाइल्स को उठा लेगा ऑटोमेटिकली अट, तो हमारी कन्फिग्रेशन हमारा जो डाटा है हमारा जो शेयर है वो सारा का सारा सेफ़ रहेगा एन एफ एस डैश आई डी मैप इट ट्रांसलेट यूज़र्स एंड ग्रुप आई डीज़ इं टू नेम एंड टू ट्रांसलेट यूज़र एंड ग्रुप इन टू आई डीज़ ये क्या काम करती है कि हमारे पास जो यूज़र्स ग्रुप बनते हैं एन एफ एस के अंदर उनकी जो आई डीज़ होती है उनको नेम के अंदर कन्वर्ट करती है और जो आई आई डीज़ है वो नेम के अंदर कन्वर्ट जिस तरह डी एन एस क्या काम करता है डी एन एस आई पी टू नेम रिज़ोल्व करता है नेम टू आई पी रिज़ोल्व करता है इसी तरह यूजर्स एंड ग्रुप्स की आई डी को नेम के अंदर जोल्व किया जाता है और ट्रांसलेट टू यूजर एंड ग्रुप्स नेम्स और यूजर एंड ग्रुप्स के जो नेम्स हैं उनको आई के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है तो हम देखते हैं अब एन एफ एस सर्वर को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है किस तरह हम किस तरह एन एफ एस के थ्रू हम जो एल डैब के अंदर जो यूजर बनाया था जो एल डैप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था सॉरी कह रहा हूँ जो एल डैब का एल डैब की जो होम डायरेक्टरी हमने बनाई थी एल डैप यूजर के लिए जो हम डायरेक्टरी बनाई थी तो उसको किस तरह एक्सेस करते हैं किस तरह उसको ऑटो एफएस के थ्रू माउंट किया जाता है ये हम देखते हैं एन एफ एस के थ्रू अभी मैं इस टाइम जो इस मशीन के ऊपर काम करने लगा हूँ जिस मशीन के ऊपर हम काम करने लगे हैं जिस मशीन के ऊपर अभी हम कन्फिग्रेशन करने लगे हैं ये आई सर्वर मशीन है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम फ्री आई सर्वर को इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम जो हमने फ्री आईपी सर्वर को जब इंस्टॉल किया था वो एग्जाम के अंदर आपको सवाल नहीं आएगा कन्फिगर करने के लिए आपको इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहा जाएगा आईपी सर्वर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा अभी भी मैं जो आईपी सर्वर के ऊपर जो कन्फिग्रेशन करने लगा हूँ ये भी आर आई आपको इंस्टॉल की हुई कन्फिगर की हुई मिलेगी आपको सिर्फ क्लाइंट एंड पे करना है जब हम क्लाइंट एंड पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगा आपको कौन कौन सी सर्विसेज कौन कौन सी कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी कौन कौन सी सर्विसेज को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं सर्वर के ऊपर भी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको क्लाइंट के ऊपर भी एग्जाम के अंदर आपको सर्वर साइड के ऊपर जो जो हमने काम किया उनमें से कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा आपको सारा प्री कन्फिगर ही मिलेगा यम इंस्टॉल एन एफ एस डैश यूटिल्स तो जब मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया उसने कहा एन एफ एस डैश नाम का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है तो एन एफ एस डैश की सर्विस को हम रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम CTL, री स्टार्थ, री स्टार्थ, सी टी एल रीस्टार्ट आर पी सी मैं देखता हूँ आर पी सी की सर्विस को रिस्टार्ट होगी कि नहीं होगी प्रॉपर उसके लिए उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं आर आई डी प्रॉपर रनिंग में है तो आर पी सी सर्विस को मैं अनेबल भी कर देता हूँ ऑन बूट एम के ऊपर इसी तरह ऑन बूट एम के ऊपर मैं एन एफ एस डैश सर्वर की सर्विस को भी इनेबल करता हूँ और इस सर्विस को रिस्टार्ट भी कर देता हूँ एन एफ एस डैश सर्वर की सर्विस देखता हूँ कि प्रॉपर रिस्टार्ट होगी कि नहीं हुई तो उसका स्टेटस ये भी ऑलरेडी रनिंग स्टेट के ऊपर है ठीक है एक्टिव है रनिंग में अब हम इन सर्विस को की पोर्ट्स को अनेबल करवा लेते हैं फायरवाल के अंदर ओपन करवा लेते हैं फायरवाल के अंदर सिस्टम फायरवाल डैश सी एम डी इज इक्वल टू परमानेट ए डैश सर्विस मल्टीपल सर्विसेज़ हैं तो उसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा एन एफ एस डैश सर्वर एन एफ एस डैश आर पी सी डैश बाइंड इसके साथ इसके साथ और एक माउंट करने के लिए एक सर एप्लीकेशन यूज सर्विस यूज़ होती है जो हमने फायरवॉल डी के अंदर फायरवॉल के अंदर हमने अनेबल करनी होती mount D, उपर, है माउंट डी ताकि हमारे पास क्लाइंट साइड के ऊपर जो होम डायरेक्टरीज हैं जो शेयर डाटा है फाइल है या फोल्डर है वो माउंट हो जाए फार व डैश सी एम डी टू रीलोड लिस्ट डेट सर्विस हम देख लेते होंगे जो जो मैंने सर्विस को ऐड किया है वो ऐड होगी नहीं हुई माउंट डी आर पी सी डैश बाइंड और उसके अलावा एन एफ एस ये एन एफ एस ठीक हो गया अब हम हाँ, एक यूज़र एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एम के डी आई आर माइनस पी माइनस पी का मतलब ये है कि जो पेरेंट फोल्डर के ऊपर जो डायरेक्ट परमिशन है वही सेम चाइल्ड फोल्डर के ऊपर भी परमिशन आ जाए एम के डी आई आर स्लैश होम स्लैश एल्ड एप ये आप यूज़र किसी भी पाथ पे क्रिएट कर सकते हैं बल्कि एग्जाम के अंदर तो उसने ऑलरेडी क्रिएट करके दिया गया होगा और आपको बता दिया गया होगा कि एक यूज़र है फॉर एक्जाम्पल जिस तरह एल डी एफ यूजर वन हमने क्रिएट किया तो उसकी होम बता दी गई होगी ये उसकी होम ड्रैक्ट्री का पाथ है तो मैं यहाँ पर एल डी एफ यूजर वन क्रिएट हो गया तो मैं चेक अब इस एल डी एफ यूजर वन के ऊपर मुझे परमिशन भी सेट करनी है तो परमिशन सेट करने के लिए आई पी एम यूजर डैश फाइंड हम इस कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी मशीन के ऊपर जो आई सर्वर के ऊपर एल सर्वर के ऊपर कौन कौन से यूजर बने हुए हैं तो आईपीए सर्वर के ऊपर इस टाइम दो यूजर बने हुए हैं एक तो एडमिन यूजर है तो बाई डिफॉल्ट जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो एडमिन यूजर बना था तो एक यूजर हमने खुद बनाया था एल यूजर वन अगर आप कोई स्पेसिफिक यूजर का नाम देखना स्पेसिफिक यूजर देखना चाहते हैं तो उसका आप आगे नाम दे दें ठीक है परमीशन को सेट कर देते हैं सी एच ऑन माइनस आर एल डेप इसकी परमिशन किस तरह सेट करते हैं ये है? है इसका यूजर आईडी है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूं सी एच ऑन माइनस आर इसको मैंने कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया फिर दोबारा कोलन दे के फिर पेस्ट किया स्लैश होम जो अभी हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी स्लैश एल डैप एल डैम यूज़र वन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम परमीशन देखेंगे हम अपनी लोकल परमिशन क्या होती हैं फिर स्पेशल परमिशन क्या होती हैं यू आई डी परमीशन क्या होती हैं ग्रुप आई डी परमीशन क्या होती हैं यूज़र आई डी परमीशन क्या होती हैं ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे अभी के लेक्चर के अंदर बस आप इतना समझ लीजिए कि ये यूज़र आई डी होती है और ये ग्रुप आई डी होती है जो है इधर हमने एल डी एफ यूज़र वन को जब क्रिएट करते हुए जो ग्रुप आई डी मिली थी जो यूज़र आई डी मिली थी वही हमने इसको यहाँ पर दे दी चेंज ऑन का मतलब है चेंज ओनरशिप कि हमने इस यूज जो हमने ये फोल्डर क्रिएट किया था किसने की फोल्डर क्रिएट किया था रूट यूज़र ने क्रिएट किया था तो हमने इस रूट यूज़र की जो ओनरशिप थी वो हमने चेंज करके क्या रख दी एल डेफ यूज़र वन की जो ओनरशिप थी वो हमने रख दी इसके अलावा आई पी ए डैश कन्फिक डैश कनफिक डैश मोडिफ़ाई ये हम मॉडिफ़ाई क्या करना चाह रहे हैं लास्ट टाइम ये तो देखिए कि जब हमने लास्ट टाइम जो यूज़र क्रिएट किया था एल डी यूज़र वन जो हमने क्रिएट किया था उसका जो लॉगिन शेल था स्लैश डैश और स्लैश शेल एस एच इसको ज़रा मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ तो ये जो शेल है ज़रा इसमें आपको पता नहीं लग रहा कि आप किस बात के ऊपर बैठे हुए हैं इस आप, का, का, आप किस बात के ऊपर आपका आप एंटर हैं किस आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है तो आपको नहीं पता आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए पी डब्ल्यू डी आपको करना पड़ता है तब आपको बताता है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है तो ये शेल थोड़ा सा ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो मैं इस शेल को चेंज कर देता हूँ इस शेल को चेंज कर देते हैं सबसे पहले हम शेल को चेंज करते हैं आई पी ए कन्फिक डैश मॉडिफाई इसको मोडिफाई करो किसको डिफॉल्ट शेल कौन सा रखा है स्लैश बिन स्लैश बैश क्योंकि अभी जो हम सारा काम कर रहे हैं वो स्लैश बैश के बैश के ऊपर करेंगे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है वो बता रहा है कि हम इस टाइम कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर बैठे हुए हैं वो कौन कौन से को कौन सा शेल बताता है वो बैश बताता है तो हम इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट बैश सेट कर देते जब भी कोई यूज़र नया बनेगा उसको जो शेल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बैश मिलेगा तो मैं इसको सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें कि इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो क्या सी है स्लैश होम है इसको भी अभी हमने चेंज करना है डिफ़ॉल्ट जो शेल कौन सा मिल रहा है स्लैश बैश और स्लैश बिन स्लैश बैश तो एक यूजर मैं और ऐड कर लेता हूं आई पी ऐड एड एल डैप एंटर करता हूं एल डैप यूजर टू एल डैप यूजर टू जब एल डैप यूजर टू क्रिएट किया तो देखिए जो उसकी जो उसका शेल था वो कौन सा मिल गया उसको स्लैश बिन स्लैश बैश शेल मिला अगर एल ldap यूजर टू को लॉग करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ क्या मिल गया शेल मिल गया उसको कौन सा शेल मिल गया अब यहाँ अभी हमारे पास होम डायरेक्टरी माउंट नहीं हुई हुई इसलिए वो थोड़ा सा उसको लोकेशन नहीं बता पा रहा तो अब हम होम डायरेक्टरी की तरफ आते हैं होम डायरेक्टरी किस तरह माउंट करनी है तो होम डायरेक्टरी के लिए पहले अभी हम अभी हमने लास्ट टाइम हमने एक चीज देखी थी कि जो उसका होम डायरेक्ट्री आपको मैं दिखाता हूं आई पी एंड पी एंड यूजर वन की जब हमने इंफॉर्मेशन देखी तो उसके अंदर जो उसका होम डायरेक्टरी का पास जो आ रहा था वो स्लैश होम स्लैश एल डेफ वन है एल डेफ यूजर वन है जबकि हमने जो क्रिएट किया वो कौन सा क्या क्रिएट किया स्लैश होम स्लैश एल डैब एल डैब यूजर हुआ तो अब हम इसको भी चेंज करते हैं तो इसको चेंज करने के लिए आई पी एग डैश मोड सबसे पहले हम हर यूजर का होम डायरेक्टरी का जो पाथ है वो चेंज कर देते हैं ताकि हमें हर यूजर के लिए मैनुअली ना चेंज करना पड़े जब भी कोई यूजर नया क्रिएट हो तो वो कहां क्रिएट हो स्लैश होम स्लैश एल के अंदर तो होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश एल अब अब क्या सीन हुआ है कि हमारे पास जो डिफॉल्ट जो होम डायरेक्टरी जो बनकर जो पाथ आ गया वो क्या आ गया स्लैश होम स्लैश एल अब जितने भी यूजर हम एल के जो क्रिएट किए करेंगे कहाँ किसके अंदर क्रिएट होंगे स्लैश होम स्लैश एल के अंदर क्रिएट होंगे इस पाथ के अंदर यहाँ पर स्लैश एल डैप यूजर वन स्लैश एल डैब यूजर टू स्लैश एल डैब यूजर थ्री तो अभी हमने जो एल डैप यूजर वन क्रिएट किया था और एल डैप यूजर टू क्रिएट किया था उसका भी हम पास सेट करते हैं चेंज करते हैं तो आई पी यूजर डैश मोडिफाई यूजर को मोडिफाई करो किस यूजर को एल डैप यूजर वन को स्लैश होम उसकी क्या करनी है होम डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उसकी होम डायरेक्टरी क्या होगी स्लैश होम स्लैश एल डेब एल यूजर वन अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं एल यूजर वन की जो होम डायरेक्टरी थी वो क्या थी स्लैश होम स्लैश एल डैब वन अब इसकी होम डायरेक्टरी क्या होगी स्लैश एल डैब एल यूजर वन तो इसी तरह एल डैफ यूजर टू के लिए भी हम लोग होम डायरेक्टरी चेंज करते हैं तो यहाँ पे मैं करता हूँ आई पी ए यूजर डैश फाइंड एल यूज़र टू तो इसके लिए भी मैं चेंज कर देता हूँ आई पी एर डैश मोड सबसे पहले एल user यूज़र टू का हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एम के डी आई आर माइनस पी स्लैश होम स्लैश एल एल यूजर टू इस पर मैं परमिशन सेट कर देता हूं स्लैश होम स्लैश एल डैप एल डैप यूजर टू अब इस, इसका भी पा चेंज कर देते आई पी ए यूजर डैश मोड एल डैप यूजर टू डबल एफ एन होम डटरी अभी देखिए अभी हमने जो LDAP डेफ यूजर टू का होम डायरेक्टरी भी का पाथ भी चेंज कर दिया लेकिन अभी इसका पासवर्ड अभी तक सेट नहीं किया हमने तो हम इसका पासवर्ड भी सेट कर देते आई पी ए यूजर डैश मोड एल डैप यूज टू डबल एफ एन पासवर्ड इसका पासवर्ड भी सेट हो गया टू टू हो गया अब मैं एक यूजर हो क्रिएट करता हूं आई पी ए यूजर डैश यूजर डैट एड एल डैप यूजर थ्री एल डैप यूजर थ्री ये सिर्फ इसलिए क्रिएट किया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि हमने जो चेंजेस की थी मैनुअली हर यूज़र के लिए होम डायरेक्टरी क्रिएट कर ली का पा पहले सेट किया पहले होम डायरेक्टरी क्रिएट की फिर पाथ सेट किया फिर बैश शेल चेंज किया तो अब इस केस में एल डेब यूज़र जब थ्री हमने चेंज किया तो हमने बाय डिफॉल्ट सारी सेट कर दी थी कि जो हमें चीज़ें चाहिए थी बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए स्लैश होम स्लैश एल डेब एल डेब यूज़र थ्री उसका जो लॉग इन है स्लैश स्लैश बिन स्लैश बैश अब सिर्फ एक काम करने वाला रहिएगा एम के डी आई आर फोल्डर क्रिएट करने वाला एम के डी आई आर माइनस पी होम एल डेफ एल यूजर थ्री इसको इस परमिशन पर सेट कर देते हैं होम स्लैश एल डैफ एल डैब यूजर थ्री अब इस यूजर को पासवर्ड भी साइन कर देते थे आई पी एर डैश मोडिफाई एल डैफ यूजर थ्री डबल एफ एन पासवर्ड ठीक है ये पासवर्ड भी हमारे पास सेट हो गया अब हमने यूजर क्रिएट कर लिया अब हमने एनएफएस के अंदर यूजर की होम डायरेक्टरी को माउंट करना है एनएफएस के थ्रू ऑटो एफएस के थ्रू हमने होम डायरेक्टरी को माउंट करना है अब होम डायरेक्टरी को माउंट करने के लिए हमने अब अभी हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था थोड़ी देर पहले एनएफएस डैश का पैकेज हमने इंस्टॉल किया था जब हमने उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की तो उसने कहा कि पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम एन के अंदर कन्फिग्रेशन करते हैं एन की जो मेन कन्फिग्रेशन फाइल होती है वो होती है ई टी के अंदर एक्सपोर्ट के नाम से यहाँ पे हम सबसे पहले उसको बताते हैं कि पाथ क्या है होम डट्रीज का या शेयर पाथ क्या है कि जिसको जिस फोल्डर को या फाइल को शेयर करना है उसका पाथ क्या है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ home होम मैं उसके अंदर कौन से यूजर्स हैं यूजर्स के होम डायरेक्टरी को का नहीं पाथ दे रहा मैं मेन पाथ दे रहा हूँ स्लैश किसका स्लैश होम एल डैप का उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन होगा वो अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन होगा अगर मैं उसको यहाँ पर पा देता हूँ एल डैब यूज़र वन का तो उसका उसकी उस उसकी वजह यह होगी तो इस इस केस में क्या होगा इस केस में ये होगा कोई भी यूजर जब लॉगिन करेगा वो किसकी होम डायरेक्टरी में लॉग कर जाएगा एल यूजर वन की होम डायरेक्टरी के अंदर तो वो मसला कर जाएगा कि जो भी यूजर आ रहा है वो एल यूजर वन की होम डायरेक्टरी में आ रहा है उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी जो पर्सनल डाटा है वो सारा रिमूव कर देता है या डिलीट कर देता है या उसको मॉडिफाई कर देता है या वो कॉपी कर लेता है जो भी इशू है वो फिर इशू हो जाएगा एल यूजर वन के साथ मसला करेगा तो इसलिए कि मैं सिर्फ पात दे रहा हूँ स्लैश होम स्लैश एल डैप का उसके अंदर जो उसकी होम प्रैक्टिस बनी हुई है डिफरेंट यूज़र्स की वो नहीं दे रहा तो आगे मैं उसको बता रहा हूँ कि कि जो शेयर है जो डाटा जो शेयर करना है जो होम प्रैक्टिस शेयर करने कि किसके लिए शेयर करने हैं किस इन्वायरमेंट के लिए शेयर करने शेयर करने हैं किस नेटवर्क के लिए शेयर करना है तो यहाँ पर उसको नेटवर्क का एड्रेस दे देता हूँ वन सेवेंटी टू डॉट सिक्सटी डॉट टू जीरो वन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर ये मेरे पास नेटवर्क है पूरा का पूरा वन सेवनटी टू डॉट सिक्सटीन डॉट टू जीरो वन डॉट जीरो उसके बाद बता रहा हूँ कि जो परमिशन है यानी अब इसको यहाँ देनी है परमिशन कि जो ये नेटवर्क है इस नेटवर्क से रिलेट इस इस नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी यूजर हैं वो इस शेयर को इस होम डायरेक्टरी को जब एक्सेस करेंगे तो किस परमिशन के साथ एक्सेस करेंगे आर ओ का मतलब है रीड ओनली इसमें सिर्फ वो डाटा को रीड कर पाएंगे राइट नहीं कर पाएंगे तो आर डब्ल्यू का मतलब है रीड राइट के वो रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे उसको परमिशन देता हूँ आर डब्ल्यू रीड राइट की और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है सिंक की सिंक का मतलब ये होता है कि ये एन एफ एस और जो क्लाइंट है सर्वर और क्लाइंट आपस में दोनों को सिंक करें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आपस को एक सिंक सिंकोनाइजेशन का मैसेज भेजते दे और आपस में वो सिंक करें इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को चेक करना चाहता हूँ कोई इशू तो नहीं इस फाइल के अंदर तो टेस्ट करना चाहता हूँ इस फाइल को कि इस फाइल के अंदर कोई इशू तो नहीं तो एक्सपोर्ट एफ एस डैश आर ए वी तो बता रहा है कि इस फाइल के अंदर कोई इशू नहीं ओके एस ठीक हो गया अभी तक हमने जितना भी ये काम किया है। अभी तक हमने जितना भी काम किया और सारा का सारा हमने आई सर्वर वाली मशीन के ऊपर किया एल सर्वर वाली मशीन के ऊपर ये जितना काम था सारा का सारा आपको एग्जाम के अंदर किया हुआ मिलेगा एग्जाम के अंदर जो सवाल आया आएगा वो आपको ये बताया जाएगा जिस तरह आई पी ए सर्वर डॉट उर्दू आई टी एकेडमी डॉट कॉम ये मेरा आई पी सर्वर है और जो सी ए सर्टिफिकेट है उसका पाथ कुछ उन्होंने वेब के थ्रू ही दिया हो गया, गया दिया होगा आई पी ए सर्वर डॉट उर्दू आई टी एकेडमी डॉट कॉम स्लेश डॉट पी इसके अलावा कोई यूजर उन्होंने बता दिया होगा कि फर्ज़ कि यूजर एल डैप एल डेफ यूजर वन बना हुआ है इसकी होम डायरेक्टरी क्या है इसकी होम जो का जो पाथ है वो स्लैश होम स्लैश एल डैप इसकी होम डायरेक्टरी का पाथ है ये आपको माउंट करनी है और इसको लॉग इन करना है पहले सबसे पहले आपको डोमेन ज्वाइन करवानी है वो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि हम आईपी सर्वर की डोमेन किस तरह ज्वाइन करवाते हैं एल के थ्रू वो देखा था अब हम देखते हैं कि इस यूज़र की होम डायरेक्टरी को हम माउंट किस तरह कर सकते हैं यूजर की होम डायरेक्टरी को माउंट करने के लिए हमारे पास जो पैकेज होता है वो हम सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करते हैं पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो है यम या इंस्टॉल ऑटो एफ एस का एक पैकेज होता है वो हम इंस्टॉल करेंगे इसके साथ हम इंस्टॉल करेंगे एन एफ एस डैश यूटिल्स का दो पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे एन एफ एस डैश यूटिल्स का पैकेज भी इंस्टॉल कर, कर लिया और आटो एफ एस का पैकेज भी हमने इंस्टॉल कर लिया अब इन सर्विस इनकी सर्विस रीस्टार्ट कर देते हैं सर्विस को हम बाद में रिस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ऑटो एफ के लिए जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है वी एम ई टी सी ऑटो डॉट मास्टर जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो ऑटो डॉट मास्टर होती है इसके अंदर फाइल के अंदर हमने क्या बताना होता है कि सिर्फ हमने इस फाइल के अंदर इसको इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि फाइल किसके साथ माउंट होगी इसका माउंट पॉइंट क्या है और इसकी टाइप क्या है तो माउंट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा स्लैश होम स्लैश एल जो हमारे पास हमने आटो एफ एस की जो हमने एक्सपोर्ट एफ एस की फाइल के अंदर हमने जो टाइप बताया था वो हम यहाँ पर उसको देंगे माउंट पॉइंट उसके बाद हम उसको बताएंगे उसका मैप हमने किस पे करना है ई टी सी डॉट एल etc auto ऑटो आप कुछ भी रख etc auto ऑटो आपको एज इट ही लिखना पड़ेगा जिस तरह ऊपर एग्जाम्पल उसने दी हुई है डॉट एल डैप की जगह आप कोई भी नाम एग्ज़ाम के अंदर दे सकते हैं या उसने बताया गया होगा या अगर नहीं बताया गया होगा तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं तो अब मैं ऑटो डॉट एल डैप नाम की फाइल को क्रिएट करता हूं नेम ए टी सी आटो एल डैप फ़ाइल को मैं क्रिएट करता हूँ ये फाइल आपको देखने वाली है समझने वाली है कि हम इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने देनी है क्योंकि उसने जो डाटा रीड करना है वो सारा का सारा इस फाइल से डाटे को रीड करके और माउंट करना है होम डायरेक्टरीज को शेयर को फाइल्स को डेटे को फोल्डर्स को उसने जो शेयर करना है वो फाइल को रीड करके शेयर करना है सबसे पहले स्टेरिक मैं एक दफ़ा इसका सेंटेक्स पूरा लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ आर डब्ल्यू आरडब्ल्यू वन सेवेंटी टू डॉट सिक्सटीन डॉट टू जीरो होम स्लैश एल्ड एप और इसका मतलब ये स्टैली का मतलब ये है कोई भी यूजर जब लॉगिन करे कोई भी यूजर हो जब वो लॉगिन करे किस परमिशन के साथ लॉगिन करे आर डब्ल्यू के साथ यानी रीड रीड डब्ल्यू रीड और राइट के साथ यहाँ पे आप परमिशन आप चेंज कर सकते हो रीड ओनली परमिशन भी दे सकते हो रीड राइट परमिशन भी दे सकते हो यहाँ पे मैं रीड राइट दे देता हूँ कि कोई भी यूज़र जब लॉग इन करें रीड राइट परमिशन के साथ जब भी यूज़र की होम डायरेक्टरी को माउंट करना है तो किसकी होम डायरेक्टरी को माउंट करें यानी जो यूज़र यहाँ पे लॉग इन किया है सेम उसी की होम डायरेक्टरी को माउंट किया जाए एंड परसेंट साइन का मतलब ये है और यहाँ पे जो मैंने ये आई पी एड्रेस दिया ये मेरे एल सर्वर का आई पी एड्रेस है यानी एक दफ़ा तो फिर बता देता हूँ कि जो भी यूज़र लॉगिन करे वो अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन करे किस परमिशन के साथ रीड राइट परमिशन के साथ और मेरे सर्वर का जो एल सर्वर है उसका आई पी एड्रेस किया इसी शुरू में स्टेरिक दिया और एंड पे एंड साइन दिया इसकी सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ ऑटो एफ की रीस्टार्ट ऑटो एफ इसकी सर्विस को चेक कर लेता हूँ प्रॉपर रीस्टार्ट होगी या नहीं हुई रेंश शेड में एक्टिव है और इस सर्विस को ओन बूट एम परबल भी लाजमी करना है हर सूरत के अंदर आपको अनेबल करना है ठीक है इस सर्विस को मैंने ओन बुट एम परेबल भी कर दिया अब मैं यूज़र को लॉग करता हूँ एस यू माइनस कोई भी यूज़र को लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र एल यूजर थ्री को लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे पर लॉगिन हो गया अब इसके ऊपर कोई मैसेज नहीं आया अगर मैं आप पी डी करके चेक करता हूँ तो मेरे पास कहाँ लॉगिन हो गया स्लैश होम स्लैश एल डेफ एल यूज़र थ्री के अंदर या मैं कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कोई डाटा क्रिएट कर लेता हूँ डाटा वन डाटा टू डाटा थ्री को यूजर आया है एल डेब यूजर थ्री ने अपने कुछ डाटा कुछ डाटा फोल्डर्स क्रिएट किए कुछ फाइल्स ने क्रिएट की तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि वाकई मेरे एल डेब सर्वर के ऊपर ये फोल्डर जो एल डेब यूजर थ्री ने क्रिएट किए थे वाकई होम स्लैश एल डेब एल डेब यूजर थ्री के अंदर क्रिएट हो गए कि नहीं हुए तो मैं चेक करता हूँ स्लैश होम स्लैश एल डेब एल डेब यूजर थ्री यहाँ पे एल करता हूँ तो वही डाटा जो उसने एल डैब एल डैब यूज़र थ्री ने लॉग इन किया किया था वो यहाँ पे आ गया तो उसकी परमिशन देख लेता हूँ किस किसने क्रिएट किया है इसका ओनर कौन है एल डैब यूजर थ्री एल डैब यूजर थ्री एल डैब यूज़र थ्री इसी तरह अगर मैं कोई होर लॉग कर लेता हूँ एल डैब यूज़र टू को लॉगिन करता हूँ तो मुझसे पासवर्ड पूछता है क्योंकि वो एक नॉर्मल यूजर में हम बैठ के उसको लॉग इन करना चाह रहे हैं तो मैं उसको पासवर्ड दे देता हूँ तो ये भी लॉग इन कर गया इसका मैं पीडब्ल्यू करके चेक करता हूँ तो वो कि किसकी होम डायरेक्टरी में आ गया अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया एल डैफ यूजर टू जब मैंने एल डेब यूजर थ्री लॉग इन किया था उसकी होम डायरेक्टरी क्या थी एल डेब स्लैश होम स्लैश एल डेल एल डेजर थ्री जब इसकी मैंने होम डायरेक्ट यूज़र टू जब लॉगिन किया था उसकी होम डायरेक्टरी के आगे स्लैश होम स्लैश एल डैप यूज़र टू इसके अंदर भी कुछ डाटा क्रिएट कर देता हूं डाटा यूज़र टू डाटा कुछ मैं डमी डाटा क्रिएट कर देता हूं फोल्डर को क्रिएट क्रिएट कर दिए तो मैं जाके सर्वर के ऊपर देखते हूं एल सर्वर के ऊपर देखता हूँ डायरेक्टरी यूज़र टू की कि उसने कोई डाटा वहाँ रखा कि नहीं रखा आया कि नहीं आया तो एल डब यूजर टू यहाँ पे भी, भी कुछ डाटा जो एल डेफ यूजर टू ने क्रिएट किया था वो भी आ गया तो इसी तरह अगर मैं यूजर वन क्रिएट डिलीट कर वो यूजर वन लॉग इन करना चाहता हूँ एल डी यूजर वन जब मैं इधर एल डी यूजर वन क्रिएट कर लॉग इन करता हूँ तो वो भी मेरे पर लॉग इन हो गया किसके साथ लॉग इन हो गया क्योंकि उसका जो बैशल सॉरी, और का का जो जो था, 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 था। वो बैश था, जबकि user 1 का जो शेल था, वो जबकि तो तो इसका PWD चेक करता हूं क्या? Slash slash LW, LW 1. तो इसका भी कोई कर लेता उसने कुछ फाइल्स क्रिएट की हैं। चेक कर लेता हूं वाकई फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई स्लैश होम स्लैश एलडे एल डेफ़ यूजर वन एल एस करता हूँ तो उसमें भी कुछ फाइल्स जो उसने एल डी यूजर वन ने क्रिएट की थी वो आ गई ये हमने सारी एल की जो टेंडिकेशन थी सबसे पहले हमने आई पी सर्वर क्रिएट कन्फिगर किया फिर हमने एल की डोमेन ज्वाइन की उसके बाद डोमेन ज्वाइन कराने के बाद यूज़र क्रिएट किए यूजर एल की यूज़र क्रिएट किया उनको जब लॉग इन किया तो हमें मैसेज मिला के उनकी होम डायरेक्टरी माउंट नहीं हुई तो उनकी होम डायरेक्टरी को माउंट करने के लिए हमने एन सर्वर यूज किया है एन के थ्रू हमने ऑटो एफ के थ्रू हमने माउंट की उनकी होम डायरेक्टरीज को तो अब हम एक दफा देख मैं आपको एक दफा इसकी गुई दिखा देता हूं उसकी गुई को एक्सेस कर लेता हूं मैं वेब पर कि हम आईपी सर्वर की जो गुई है वो क्या है वो भी आपको एक दफा दिखा देता हूँ एच टी टी पी एस आई पी सर्वर यहाँ पे मैं एडमिन यूजर ने पासवर्ड देता हूँ ये मेरे पो गई एक्सेस होगी है इसमें हमारे पास जो यूजर बने हुए एल डैफ यूजर वन एल डेब यूजर टू एल डैप यूजर थ्री तो यहां मैं यूजर को क्रिएट कर लेता हूँ एल डैप यूजर हंड्रेड एल यूज़र हंड्रेड इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये मेरे पास एल यूज़र हंड्रेड ऐड हो गया इसको मैं अगर कर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ एल यूज़र हंड्रेड को तो मुझे मैसेज आ रहा है कैन नॉट चेंज डायरेक्टली स्लैश होम स्लैश एल डी एल यूज़र हंड्रेड उसकी वजह यह है कि क्योंकि एल यूज़र हंड्रेड का फोल्डर नहीं क्रिएट हुआ हुआ उसकी डायरेक्टरी नहीं क्रिएट की की गई तो वो डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर आके एम के डी आई आर माइनस पी माइनस पी स्लैश होम स्लैश एल डैप एल डैप के अंदर एल डैप यूजर हंड्रेड ये मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो गया इसको मैं परमिशन सेट कर देता हूँ सी एच मोड सी एच ऑन माइनस आर एल डेफ यूजर हंड्रेड एल डेजर हंड्रेड यहाँ पे लॉग इन करता हूं तो अभी भी मुझे मैसेज आ रहा है कैन नॉट चेंज टू स्लैश होम स्लैश एल डेफ एल डेफ यूजर हंड्रेड उसकी वजह यह है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कौन से उठा रहा है से उठा रहा है तो मैं कैशे क्लियर कर देता हूँ एक दफा कैशे क्लियर करने के लिए ट्रिपल एस ट्रिपल एस अंडर स्कोर कैशे माइनस ई ई का मतलब एवरीथिंग तो कैशे मेरी क्लियर होगी तो मैं अगर इसको अब लॉग इन करता हूं तो अब उसने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया डायरेक्ट लॉग इन कर गया तो पीडब्ल्यू डी करके देखता हूँ स्लैश होम स्लैश एल डेब एल डैब यूजर हंड्रेड तो इसमें कोई डाटा क्रिएट कर लेता हूं ये मैंने कुछ डाटा डाटा क्रिएट कर दिया है यूजर एल यूजर हंड्रेड के अंदर इधर मैं चेक करना चाहता हूँ कि यूजर क्रिएट डेटे डाटा आया कि नहीं आया एल यूजर हंड्रेड में तो ये हमारे पास डाटा आ गया सारा जो एल यूजर हंड्रेड ने क्रिएट किया था तो हमने ये था हमारे पास एन एफ एस के एन एफ एस के थ्रू हम अपना डाटा अपना फाइल अपनी फ़ाइल अपना फोल्डर या किसी भी कोई यूज़र की होम डायरेक्टरी को शेयर करना हो किस तरह शेयर किया जाता है किस तरह एक्सेस किया जाता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फाइल पर लोकल परमिशन क्या होती है लिनक्स पे परमिशन पर कितनी टाइप्स की होती हैं लोकल परमिशन क्या होती है फिर स्पेशल परमिशन देखेंगे ए सी एल देखेंगे स्टिकी बिट्स देखेंगे क्या होती हैं तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़